फ्रेंड्स, मैं हूं स्विगी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्विगीज किचन में। तो फरवरी जाने वाली है और फरवरी के जाते ही हम सब तैयारियों में लग जाते हैं होली की। अब होली आने वाली है और हम सभी अपने घरों में कुछ ना कुछ पकवान बनाने लग जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूं मालपुए की रेसिपी जो आप सबका फेवरेट है। तो चलिए फिर मालपुए की रेसिपी को शुरू करते हैं। मालपुए बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 100 ग्राम मैदा ली है और ये मैंने 2-3 चम्मच सूजी ली है, थोड़ी सी सौंफ ली है, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये मैंने 4-5 इलायची इसे मैंने कूट लिया है। और यहाँ मैंने 200 ml दूध लिया है और कंडेंस मिल्क यूज करेंगे हम 3-4 चम्मच। अब इन सब चीजों को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैदा डाल देंगे, फिर सूजी डाल देंगे, सौंफ और ये इलायची, इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप मावा यूज कर रहे हैं तो आप मावा और दूध को पहले ही मिक्स कर लें। यहां मैं कंडेंस मिल्क यूज कर रही हूं इसलिए मैं इसे ऐसे ही डाल रही हूं। यहां मैंने 4 चम्मच कंडेंस मिल्क यूज किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे हल्के हल्के। पुए का बैटर ना हमें ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज्यादा पतला रखना है, अभी हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखनी है। तो अब मैं इसे 5-6 घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। अब हम 5-6 घंटे के लिए इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और ये दूध जो बच गया है इसे भी हम बाद में यूज करेंगे क्योंकि फूलने के बाद मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए अब 5-6 घंटे के बाद हम इसे चेक करते हैं। 4-5 घंटे हो गए हैं इस मिक्सचर को रखे हुए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें दूध और मिक्स कर देते हैं। हमें बिल्कुल गिरने वाली कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी कि जब हम इसको घी में डालें तो ये एकदम गिरना चाहिए। अब बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। अब हम इसे एक साइड रख देते हैं और चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब एक भगोने में मैं ये 200 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ चाशनी बनाने के लिए और 100 ग्राम पानी। और अब हम गैस ऑन कर लेंगे, इसे अच्छे से डिसॉल्व हो जाने देंगे। साथ ही मैं इसमें कुटी हुई इलायची डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा केसर। अब गैस को लो कर देंगे और इसे 8-10 मिनट अच्छे से घुल जाने देंगे, मिक्स हो जाने देंगे चीनी को पानी के साथ। चलिए तब तक हम पुए बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम कर लिया है, आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे। बैटर ऊपर आ रहा है यानी कि घी गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम हम लो कर लेंगे। अब हम ऐसे एक गोल चम्मच ले लेंगे और इसकी मदद से एक ही जगह पर इसको पोर करेंगे, ये अपने आप फैल जाएगा। मालपुआ मैदा का होता है तो इसे सिकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसे हमें हल्की आंच पे ही सेकना है ताकि ये अच्छे से अंदर से पूरा सिक जाए। बीच बीच में चाशनी को भी चेक कर लेंगे और चला लेंगे। ये देखिए हमारा मालपुआ तैयार हो गया है। अब मैं इसे चाशनी में डाल दूंगी। पहले मैं आपको चाशनी दिखा देती हूँ। तैयार चाशनी को हमें ऐसे किसी भी कटोरी में ले लेना है
और फिर हमें ऐसे हाथ से चेक करना है, इसमें एक तार आ रहा है। चाशनी तैयार हो गई है और अब हम गैस बंद कर देंगे चाशनी वाली, और ये मालपुए को डायरेक्ट इसी चाशनी में डाल देंगे। ऐसे ही हम सारे मालपुए बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दूसरा मालपुआ भी सिक के तैयार हो गया है। अब इसे भी मैं कढ़ाई में से निकाल के चाशनी में डाल दूंगी। ऐसे ही हम सारे मालपुए बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे मालपुए बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इसी तरीके से आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं। एक तरफ चाशनी बनाकर और एक तरफ आप उसे पुए बनाकर तैयार करते रहें और चाशनी में डालते रहें। अगर आपको और ज्यादा टाइम बचाना है तो जो हमने बैटर को 4-5 घंटे के लिए रखा था उसमें आप थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर 1.5-2 घंटे के लिए रखकर भी बना सकते हैं। हम इसे एक प्लेट पर सर्व कर लेते हैं। ये अच्छे से चाशनी में डिप हो गया है। अब इसे थोड़े से काजू और पिस्ता के साथ हम डेकोरेट कर लेंगे। इस होली आप भी अपने घर पर मालपुए बनाकर तैयार करें और होली के मजे लें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।